अस्सलाम वालेकुम, मैं राना हसन चौहान। आज आपको बारबल के ज़रिए बाइसेप की एक्सरसाइज लगाना बताते हैं। आज आपको 10 वेरिएशन बताएंगे कि जो आप सिर्फ एक बारबल से लगा सकते हैं, और इसकी आपको कंप्लीट सारा बताएंगे कि कौन से आपको हेड के ऊपर इसका ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मसल कौन कौन से हैं और आपने उसकी एक्सरसाइज कैसे लगानी है। तो इसलिए पहले ज़रूरी है कि मसल की आपको नॉलेज हो। तो ये वाला मसल का जो हिस्सा होता है, ये बाइसेप का शॉर्ट हेड होता है और ये हिस्सा इसका लॉन्ग हेड होता है। इसमें ये हिस्सा जोन सा है ब्रैकियलस का होता है, और साथ ही ये आपका ब्रैकी रेडियलस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली ये सारे हिस्से हमने बाइसेप के अंदर ही लगाने होते हैं, और ये मुख्तलिफ वेरिएशन के ज़रिए ही आप इसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो शॉर्ट हेड है और लॉन्ग हेड है, उसको बाइसेप का ब्रेकी मसल बोलते हैं। तो मोस्टली आपके जो ब्रेकी मसल हैं उसी के ऊपर इफेक्टिव होगी, लेकिन क्योंकि जो इसमें प्राइमरी मसल होता है, सेकेंडरी मसल होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल बार ले लेते हैं, बार के ज़रिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएशन आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हो जाना इस तरीके से, और आपकी जो ये लेग्स हैं, शोल्डर हैं, जहाँ पे आपकी आ रही है, तो वहीं पे आप उसको ग्रिप करेंगे। ये बेसिकली बाइसेप की ब्रैकी की जो एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपको ज़्यादातर लॉन्ग हेड पे ही असरअंदाज करेगी। तो इसको हम इसी तरीके से जैसे लगा रहे होते हैं, उसी तरीके से आप इसको लगाएंगे, आपको मालूम होगा। और आप इसको इसी तरीके से बारबर कर्ल के ज़रिए लगा सकते हैं। अगर आप तरीकाकार नहीं मालूम तो आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। दूसरे तरीके कार की तरफ चलते हैं, तो उसमें यह है कि आप उसे क्लोज ग्रिप की तरफ चले जाएंगे। मज़ीद क्लोज ग्रिप आप इसको ऐसे तरीके से लेके जाएंगे, शोल्डर थोड़े से आपके इनवर्ड्स होंगे, और इस तरीके से आपका बार थोड़ा सा फ्रंट पे होगा, और इस तरीके से आप उसको रख के इस तरीके से लगाएंगे। तो ये तरीका कार है, आपके बाइसेप के जो सा लॉन्ग हेड है, ये भी उसी के ऊपर असरअंदाज होगा। क्योंकि बेसिकली आपका जब बाजू इस तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा जाता है। इस तरफ जाएंगे तो आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा जाएगा, या आप फ्रंट की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट हेड ज़्यादा जाएगा, अगर आप पीछे से की तरफ जाएंगे तो आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा जाएगा। तो ये बेसिकली मैकेनिकल मूवमेंट है, और इसी तरह ही ये आपका परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि आप इसमें वाइड ग्रिप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाइड ग्रिप, जब हम वाइड ग्रिप लेते हैं तो ये ज़्यादातर मोस्टली शॉर्ट हेड के ऊपर ज़्यादा असर करता है। होता है ये सारा बाइसेप पे ही है, लेकिन इसका जो प्राइमरी मसल है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट करना है, तो ये आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो ये आपका बाइसेप का शॉर्ट हेड का मसल इसके अंदर असरअंदाज होगा। अब हम चले जाते हैं इसमें आपका ब्रेकियलस और ब्रेकी रेडियलस, दो मसल जो उनसे फोर आर्म समेत आपका कवरेज होगा। वो इसमें आप इसको रिवर्स ग्रिप में जाएंगे, प्रोनेटेड ग्रिप भी बोलते हैं इसको, और इसमें आप इस अंदाज में इसी तरह खड़े होंगे, और आपने उसी तरह बारबल कर्ल की तरह इसको परफॉर्म करना है। इसी तरीके से आप इसको इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो ये आपकी आपकी ब्रैकियलस लॉन्ग हेड प्लस आपका ब्रैकी रेडियलस, जो कि आपका ये फोर आर्म मसल ये वाला होता है, यहाँ से आता हुआ ये ब्रैकी रेडियलस का मसल होता है, तो ये भी इसके अंदर सारा कवर हो जाता है। तो ये थे चार तरीके। अब हम अपना पाँचवें तरीके की तरफ चले जाते हैं। जी, तो पाँचवीं एक्सरसाइज है ये, हम इसको लगाएंगे कंसंट्रेशन कर्ल के हिसाब से लगाएंगे। तो अगर आपके पास सीट है तो सीट पे बैठ के भी लगा सकते हैं, अगर खड़े होकर लगाना चाहें झुक के तब भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या काम करना होगा, आपने आपने इसी तरीके से आपने इस तरीके से यहाँ पे अपने नीज़ के अंदर की साइड पर आपने इस बार को होल्ड करना है, और इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, तो ये कंसंट्रेशन कर्ल की सिमत में लगेगा। तो ये इसका तरीकाकार है। उसके बाद छठा तरीकाकार के ऊपर चलते हैं, वो है ड्रैग कर्ल। ड्रैग कर्ल आपका लॉन्ग हेड के ऊपर जाएगा, तो आप ड्रैग कर लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा साइड व्यू दे देता हूँ। तो आपने इसमें ऊपर की तरफ ऐसे नहीं उठाना, ये आपका नॉर्मल बारबर कर्ल है। आपने इसको बॉडी के साथ साथ रखते हुए पीछे बाजू आपके जाएंगे, और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नॉर्मल ग्रिप लेंगे आप इसको, तो ये आपका ड्रैग कर्ल बनेगा। उसके बाद आपको बताते हैं आपकी सातवीं एक्सरसाइज, जो है नीलिंग बाइसेप कर्ल। नीलिंग में ये होता है कि आपने अपने जो बारबल है उसकी ग्रिप आपकी टांगों की बिल्कुल इस अंदाज में सीध में आएगी, देखें इस अंदाज में सीध में आएगी, और आपने इसी तरीके से खड़े होकर आपने अपनी जो कोनिया है
घुटने के ऊपर रखनी है और खुद थोड़ा सा झुक जाना है और ये एक किस्म का प्रीचर कर्ल की सिमत ले लेता है, नीलिंग बाइसेप कर्ल। तो ये प्रीचर की आप इसको इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम आठवीं एक्सरसाइज की तरफ। ये हम आठवीं एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, सीटेड बारबेल कर्ल। तो सीटेड बारबेल कर्ल बेसिकली आपकी लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है। तो ये बेसिकली आपकी पीक के लिए इस्तेमाल होती है, बाइसेप की जो पीक बनानी है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो मेथड है वो ये है कि आप इसी तरीके से किसी भी जगह पे बैठ जाए, चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई आपका बेंच है, नॉर्मल है, ओपन बेंच है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं आप। उसी को इसी तरीके से आप नॉर्मल ग्रिप लेंगे और आप इसको इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें हाफ रेंज कट हो जाएगा, हाफ रेंज रह जाएगा, अपर हाफ ही लगाएंगे हम इसके अंदर इस तरीके से, 1 2 3, ठीक है, सिर्फ अपर हाफ ही लगाएंगे इसके अंदर। तो ये सीटेड आपका कर है। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने 9th एक्सरसाइज के ऊपर, बाइसेप में। अगर आप वहाँ से दिखाएं सामने से, उधर आ जाएं सामने, तो यहाँ पे हम इसको लगाने लगे हैं। ये हमारे पास इसमें स्पोर्ट है, ये हमने स्पोर्ट ले ली है। अगर आपके पास दीवार है आप इसको दीवार की स्पोर्ट भी ले सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अपनी टेक लगा लेंगे, कमर, पीठ और सर, ये तीनों चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से अटैच रहेंगी। आपने पहले सबसे पहले अपना ग्रिप बेहतरीन सी ले लेनी है और आपने फुल अटैच हो जाना है अपना, क्योंकि स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे। तो बेसिकली ये पावर और स्ट्रेंथ की गेम है और ये बाइसेप के लॉन्ग हेड पे ही असरअंदाज होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। अब हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, जो क्या है, 21s का सेट। 21s का सेट लगाने का जो तरीकाकार है आपको प्रॉपर मेरी वीडियो मिल जाएगी, आपको मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ। आपने इसमें जो लगाने हैं उसमें तीन वेरिएशन है, इकट्ठे लगाने होते हैं, 21 का सेट होगा, 7, 7 और 7। इसमें आपने पहले लोअर हाफ, ये लोअर हाफ यहाँ पे रखे, ये देखिए लोअर हाफ यहाँ तक रख के आपने इसको 7 लगाने हैं, उसके बाद आपने अपर हाफ उसको 7 बार लगाना है और ये सिलसिला आपने तोड़ना नहीं है, ये चलता रहेगा। और लास्ट पे जो आपने उसी को कंटिन्यू करते हुए आपने 7 फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाने हैं। तो इस तरीके से ये आपका 21s का सेट बनता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से अब मालूम हो गया कि आप सिर्फ एक बारबेल के ज़रिए मुकम्मल बाइसेप की मुख्तलिफ किस्म के वेरिएशन के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।